हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, इसमें ट्रेड कैसे। तो दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बना हुआ पैटर्न होता है, जिसमें पहली कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, जिसमें फर्स्ट कैंडल स्मॉल रेड कैंडल होना चाहिए एंड सेकेंड कैंडल जो हमारी है एक ग्रीन लार्ज कैंडल होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया एंड सेकेंड कंडीशन ये हो गया, जो रेड कैंडल यानी बियरिश कैंडल की बॉडी जो है वो ग्रीन बुलिश कैंडल के बॉडी के बीच में ही होना चाहिए, यानी ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इंगल्फ कर जाए। इसका मतलब कि हमारी रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के बॉडी के बीच में ही कहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है फ्रेंड्स, जब भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो चांसेस वहां से हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाए। जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे चली जा रही है और यहाँ पे जो है हमारा एक स्मॉल रेड कैंडल बनी और ये हमारी एक बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ चांसेस हमारा है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर ले। एंड ये सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है, जब भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारी एंट्री ले लेनी चाहिए, हमको सेकंड कैंडल का वेट करना चाहिए। सेकंड कैंडल जब तक हमारा ये ग्रीन कैंडल जो बनी है इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल। मान लीजिए हमारी ये एक ग्रीन कैंडल्स थी, सेकंड कैंडल कुछ एक ऐसी बननी चाहिए हमारी ये यहाँ पे, जिसकी क्लोजिंग इसके क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए, तो ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है। पिछले भी सारी वीडियो हमने इस चीज को डिस्कस किया है। तो इस प्रकार की जब एक कंफर्मेशन कैंडल बने तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। थर्ड वन है, ये कह रहा है कि जब ऐसा फॉर्मेशन बने तो यहाँ पे हम लॉन्ग के लिए एंट्री ले सकते हैं। ये फोर्थ कंडीशन में ये है कि इफ RSI जो हमारा RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमारा है, यदि ये ग्रेटर देन 60 है और ये ऐसा हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और RSI हमारी ग्रेटर देन 60 है, तो चांसेस आप रिवर्सल और ज्यादा हो जाए। और सेकंड एंड फिफ्थ कंडीशन ये है, हमने जैसे बताया था आपको कि जैसे ही यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनते हुए हम देखेंगे ये हमारी यहाँ पे जो वॉल्यूम चला आ रहा है, कन्फर्मेशन कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की जो ग्रीन कैंडल है इसका वॉल्यूम जो नॉर्मल आ रहा है इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाना चाहिए, तो कंफर्मेशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहां से ट्रेंड अपना चेंज कर सके। और ये सिक्स्थ है कि अगर भाई ये कहीं किसी सपोर्ट के पास बनता है हमारा ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो ये चांसेस प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ गई कि यहां से मार्केट रिटर्न हो सके। एंड लास्ट वन इज दैट, ये कह रहा है कि जो हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की बुलिश कैंडल बनती है इसकी लेंथ लार्ज होनी चाहिए, लंबी हाइट इसकी ज्यादा होना चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हमारा है, इसका क्या कंडीशन होता है कि पहली कैंडल हमारी रेड बियरिश कैंडल होना चाहिए, सेकंड कैंडल हमारी बुलिश ग्रीन कैंडल होनी चाहिए है। और ये ग्रीन कैंडल क्या करनी चाहिए, ग्रीन कैंडल ये करनी चाहिए कि रेड कैंडल को पूरा पूरा इंगल्फ कर जाए, इसका मतलब इसके बॉडी के ग्रीन कैंडल के बॉडी के बीच में रेड कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। ये देखिए तो हमारा पैटर्न क्या हो गया, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना। और देखिए यहाँ पे नियर अबाउट ये सपोर्ट एरिया है, इसके पास ये बना है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, अपना ट्रेंड चेंज किया और हमको एक अच्छा टारगेट यहाँ तक का मिला। एक और एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मार्केट देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे देखिए हमारा क्या बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ये हमारी पहली कैंडल देखिए ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरा इंगल्फ कर जा रही है, इसका मतलब ये कि इसके बॉडी के बीच में रेड कैंडल है। सो इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। एंड इसके बाद देखिए यहाँ से हमको एक अपसाइड मोमेंटम मिला है। और ये दोस्तों ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसको आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। सो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।